फ्रेंड्स, जो लोग भी इधर आए बालापुर के गणेश जी का दर्शन करने के लिए, तो यहीं पे चौराहा पर ही शॉप है अंकल जी का, यहाँ पर आके ईरानी चाय पिए और टेस्ट करें और बताएं कि कैसा लगा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, टेस्ट मैंने किया है पहले ही, क्योंकि मैं चाय लवर हूँ, इसलिए मैं चाय नहीं छोड़ सकती हूँ। जहाँ भी जाती हूँ मैं चाय ही ढूँढती हूँ, मुझे सर दर्द होता है कुछ भी। और आप लोग आएँ इधर सिकंदराबाद से, जो लोग भी आते हैं तो बहुत लोग आते हैं घूमने के लिए, बहुत भीड़ है यहाँ के लोगों में भी, बहुत भीड़ है बालापुर के, तो यहाँ अंकल जी का चाय पिए और मज़ा ले चाय का। बाय बाय। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। और जो है देख सकते हैं, अभी हम लोग घूमने के लिए निकले थे इवनिंग में, और रोशनी का जो है, रोशनी बोली कि मुझे चाय पीना है, तो अचानक से मुझे एक छोटा सा एक अंकल का चाय का स्टॉल दिखा, मैं वहाँ पर रुक गया। और काव्या भी जो है, आप लोग देख सकते हो, आप अपनी बॉटल से जो है पानी पीने पे लगी और चेयर पे कैसी लेटी हुई है। हाँ काव्या, और ये है रोशनी, और कैसे आना होगा घूमने के लिए? देखिए हम लोग बालाजी बालापुर के गणेश का दर्शन करने के लिए आए थे, हम लोग बताएगा तो हम लोग आए थे और रास्ता थोड़ा सा भटक गए थे, इसलिए हेडेक हो गया, सर में दर्द हो गया था, तो दर्शन करके जा ही रहे थे। ईरानी चाय दिख गई हमें, एक दादाजी का यहाँ पे शॉप दिख गया, तो हमने सोची चाय पी ले बस, और कुछ नहीं। तो जहाँ तक आप लोग को दोस्तों रोशनी ने बताया कि जो है रास्ता थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया शाम के टाइम में, ठीक है, तो थोड़ा रास्ते से भटक गए थे, बाकी जो है अभी टाइम से पहुँच जाएंगे, और आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों जो है अंकल का जो है यहाँ पर चाय का स्टॉल है छोटा सा, और अंकल जो है, अंकल कितने बजे रात तक ये दुकान आपकी खोल के रखते हैं रात नाइट में? अभी 11 बजे बंद कर। अच्छा, 11 बजे बंद कर देते। और परिवार में कौन कौन है आपके? बीवी बच्चे हैं। मैडम लोग ठीक हैं? सब लोग ठीक है। बच्चे क्या करते हैं? बेटी है। अच्छा, एक ही बेटी है। शादी वगैरह होगी? हो गया, 5 बच्चे। अच्छा, चलो देखो, चलो ठीक है, अपनी जो मुख्य जिम्मेवारियों से अंकल जो है अभी जो है फ्री हो चुके हैं, अभी जो है कोई काम नहीं बचा अपना घर परिवार चलाने के लिए जो है। बड़ा प्यारा सा इनका चाय का स्टॉल है, और बहुत अच्छी चाय बनाई है, वास्तविकता में चाय जो है बहुत अच्छी है। क्या अभी मुझे पता नहीं कि चार्जेस आपसे क्या लगाया है मुझे चाय का, कितना रुपये है चाय इसका? चाय का 20। अरे वाह, सिकंदराबाद में शायद ईरानी चाय जहाँ तक बेचता है तो 15 या 20 रुपये की बेचता है शायद, और अंकल की दुकान पे हमें देखो 10 रुपये में चाय मिल गई, और क्या चाहिए भाई है? तो ये चीज़ जो है, चलिए भैया आप अगर ये रोशनी कौन से गणपति अपन देख के आए? बालापुर गणपति। तो हम लोग फ्रेंड्स जो है अभी बालापुर जो है गणपति हम लोग देख कर आए, तो हमें अंकल का दुकान रास्ते में दिखा, तो हमने सोचा कि क्यों ना अंकल का जो है वीडियो शूट कर लें, और आप सकता हो ये जो है ईरानी चाय का जो है जानकारी पहुँचाएं। अभी भी देख सकते हैं दोस्तों चाय जो है यहाँ पर खोल रही है बिल्कुल, और अंकल अच्छा अंकल, ये ईरानी चाय का राज क्या है, क्या बोलते हैं ईरानी चाय को, ये कहाँ से आती है? ईरानी चाय जो है ये कहाँ से आती है, इसका चाय पत्ती वगैरह किधर से आता है? सर चाय पत्ती का कुछ बताएंगे जो ईरानी चाय पत्ती में ऐसा स्पेशल? चाय पत्ती नहीं, मैं ये पूछ रहा था इसका ईरानी नाम, जो चाय ईरानी चाय बोलते अपन, चाय पत्ती से कुछ, तो ईरान तो एक देश है, यूज के हिसाब से बनना अपन, बस आप कुछ ना कुछ वजह है भाई, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि किसी भी ब्लॉग को शूट करने से पहले मैं भी किसी ना किसी चीज़ का विकिपीडिया जो है उसके बारे में स्टडी करता हूँ, तब जाके मुझे पता चलता है कि अगर उसके बारे में है क्या, वो जो भी है सारी हिस्ट्री है, बिना पढ़े कोई बात पता चलेगी? हाँ, तो सभी का जो है यही ओपिनियन है, भैया लोग भी बैठे हैं यहाँ पर, ये लोग भी चाय पीने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और वही मैं बताना चाहता हूँ कि बिना पढ़े कोई भी चीज़ भाई नॉलेज नहीं होने वाला, मुझे भी ब्लॉग शूट करने के लिए पहले स्टडी करना होता है, उसके बाद ही मैं जो है कुछ बोल पाता हूँ। तो ये अंकल के जो है छोटा सा जो टी स्टॉल है ये उसका मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ, ये अंकल दिख रहे हैं सामने, और ये कौन सा रोड है भैया, कौन सा रोड है? कौन सा? मन्नामलम्मा। भाई मुझे नहीं आ रहा समझ में भाई क्या बोल रहा है, उपल वाला रास्ता है शायद, उपल बस स्टैंड यहाँ पे है सर, एल्फिनार का। अच्छा, रिंग रोड एल्फिनार,
हैदराबाद का जो जीएमसी है, देखिए कितना अच्छा फैसिलिटी यहाँ पर, जहाँ तक रोड में गाड़ी से जो है इसको स्वीप कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, और सारा जो भी कचरा है रोड का वो गाड़ी में ऑटोमेटिकली जो है इकट्ठा हो जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे चाय का ब्लॉग शूट कर रहा था, चाय का ब्लॉग शूट करते करते कहाँ से कहाँ पहुँच गया, अभी डोसे पे आ जाएगा, बोला इधर डोसा भी बना रहे हैं। मास्टर है डोसा का, ये डोसा का मास्टर है भाई, मिलो डोसा के मास्टर। कहाँ से हो भैया? महाराष्ट्र। कुछ मलाल नगर, मलाड। ओके मलाड। एक्चुअली मैं महाराष्ट्र से नहीं हूँ, मैं तो भाई एमपी से हूँ, और अंकल की चाय ने मजा ला दिया भाई। चलिए दोस्तों, बाय बाय। आपका भी मेरे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके दोस्तों, देख सकते हैं हमारे अंकल जी हैं जहाँ पे हम जो है चाय पीने के लिए रुक गए इनके पास में, और अरे है ईरानी चाय, ईरानी चाय है जो अंकल ने बहुत, चाय का जहाँ तक कलर देख के भी आपको अंदाज़ा पड़ जाएगा, आप बहुत अच्छी चाय बनाई है। मैं भी रोशनी टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है। जो है चाय जो है अभी जो है ज़्यादा गर्म है, और ये काव्या काव्या जो है बिल्कुल बेहाल हो चुकी है। और ये क्या हो गया? हेलो करो सबको। चलो ठीक है।